हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, ये प्लांट है मधुकामिनी। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये एक सन लविंग प्लांट है। भले ही ये कुछ छाया सहन कर सकता है, लेकिन अच्छी तरह से ग्रो होने के लिए इसे 6 से 8 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। प्लांट को आप ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ उसे 6 से 7 घंटे की धूप पूरी मिले, और जो इसकी मिट्टी है वो सैंडी और मॉइस्ट रहनी चाहिए। सफ़ेद फूलों और खुशबू देने वाला बहुत ही अट्रैक्टिव प्लांट है ये। ये इतना हार्डी होता है कि आप इसे पॉली बैग में लगा लेते हैं तो भी ये बहुत आसानी से सर्वाइव कर लेता है। इसे पॉट में लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये इतना हार्डी होता है। कम देखभाल और लंबे समय तक चलने वाला प्लांट है। इस प्लांट को ऑरेंज जैस्मिन और मोराया पानी कुलाटा भी कहते हैं। ग्रीनरी तो ये देता ही है, पर साथ ही साथ वाइट या फिर क्रीम कलर के इसके फूल होते हैं जो खुशबू फैलाते हैं। इसके फूलों में इतनी महक होती है, हम यह कह सकते हैं कि एक नेचुरल फ्रेशनर है ये। इस प्लांट के फूलों की वजह से जो है बर्ड्स और बटरफ्लाई अट्रैक्ट होती हैं। यदि आप कोई इस तरह का प्लांट चाहते हैं जो आपके गार्डन में सालों साल बना रहे और जो फूल भी दे, तो ये बेस्ट प्लांट है जो आपके गार्डन और बालकनी को अपनी फूलों की खुशबू से महका देगा। और सबसे अच्छी बात है, आप इसे बॉन्साई भी बना सकते हैं। बॉन्साई ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें एक और टेबल कामिनी भी आता है, वो भी बहुत अच्छा प्लांट होता है। उसको तो आप इंडोर रख सकते हो, वो अपनी शेप अपने आप ले लेता है। बट ये जो प्लांट है, इसको भी आप बहुत अच्छी शेप दे सकते हैं, बॉन्साई बना सकते हैं। ये देखिए, मैं जब इसको नर्सरी से लेकर आई थी तो फ्रेंड्स, नर्सरी वाले ने तो मुझे 200 का बताया था, लेकिन मैं इसको 150 रुपीज़ में लेकर आई थी। और मैं जब लेकर आई थी इसको, तो आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था, मैंने बताया भी था। उस समय तो ये छोटे पॉट में लगा हुआ था, पॉली बैग में लगा हुआ था। फिर मैं ये पॉट भी तभी लेकर आई थी, उसमें ये इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है। जब मैंने इसकी मिट्टी तैयार की थी फ्रेंड्स, तभी मैंने इसमें कंपोस्ट ऐड किया था, और आज देखिए उसका रिज़ल्ट कितना सुंदर है। ये देखिए, इसका फूल जो है, फूलों को साइज़ जो होता है इसका बहुत ही छोटा होता है, ये देखिए। और जो छोटी फूल होते हैं ये इस तरीके से, देखिए आप, ये पूरा गुच्छा इसका बन जाता है। इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, मेरे गार्डन में इतनी तेज़ खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए इसको जैस्मिन का प्लांट भी बोलते हैं, ऑरेंज जैस्मिन, और फ्रेगनेंस प्लांट भी बोलते हैं इसको। बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप अपने गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत ही अच्छा प्लांट है, कम केयर वाला प्लांट है, ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है फ्रेंड्स से, और एक बार लगाने के बाद तो ये बना ही रहता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।